वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम के ऊपर। आप सब विद्यार्थी बहुत ही खास हैं और बहुत ही कठिन मेहनत कर रहे हैं क्लास 8 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। तो आप सब बिल्कुल तैयार हैं, एग्जामिनेशन का डेट कब आ जाए, मॉडल सेट कब आ जाए, कितने परसेंट चाहिए पास आउट होने के लिए, मॉडल सेट कब आएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा सोचते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से एक्टिविटी या किस तरह से काम करना है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए और आपका भविष्य जो है काफ़ी अच्छा रहे आगे के लिए। 9th में एडमिशन लेना है, 10th का एग्ज़ाम देना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले तो क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है सबसे पहले। तो चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे परीक्षा तो 2023 में ही होगी, 2022 में अब संभव तो है नहीं क्योंकि दिसंबर में परीक्षा होती भी नहीं, तो मार्च अप्रैल के आसपास में आपकी परीक्षा हो जाएगी क्लास 8 बोर्ड एग्ज़ाम की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एग्ज़ाम होगी कैसे। देखिए साथ बच्चों मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर। तो OMR सीट में आपकी परीक्षा होती है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, सब कोई OMR सीट के ऊपर ही परीक्षा देंगे, OMR सीट में ही परीक्षा देंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी आता है OMR सीट का, तो आप चाहें तो उसे नज़दीकी दुकान से ले सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास होगी और वो एग्ज़ाम OMR सीट में होगी। तो इसके लिए बिल्कुल आप आश्वस्त रहें कि OMR सीट में परीक्षा होगी। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडल सेट जो है वो कब दिया जाएगा। बच्चों मैं बता दूँ कि कम से कम जैक का जो कहना है कि वो जो एग्ज़ाम से कम 45 दिन पूर्व जो है, 45 दिन पहले मॉडल सेट जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो फिलहाल तो अभी समय है और संभवतः जनवरी में, लास्ट जनवरी तक मॉडल सेट आ जाना चाहिए और आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मॉडल सेट बहुत ही लाभकर होते हैं आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के, कि मेन एग्ज़ाम जो बोर्ड के होंगे उसमें मॉडल सेट काफ़ी ज़्यादा भूमिका अच्छा निभाता है, क्योंकि पैटर्न पता चल जाता है बच्चों के कि किस पैटर्न पे जो है परीक्षा होनी है। तो मॉडल सेट है एक तरह से पैटर्न और बहुत बारीकी जो है समझने में मॉडल सेट काम आता है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडल सेट आखिर कितने आएंगे। देखिए कई बार मॉडल सेट 4-5 तो दे दिया जाता है, लेकिन कम से कम जैक का कहना कि कम से कम 3 मॉडल सेट जो है सभी क्लासेस के विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को लाभ मिल सके और वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाली है क्लास 8 उसके लिए बिल्कुल वो 100% बैठ सके कॉन्फिडेंस के साथ। चूँकि मॉडल सेट का प्रिपरेशन आप कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं, प्रश्न जो हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छा, ये सब चीज़ें हैं जिसको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कम से कम 33% लाना अनिवार्य है, 33% अंक आपको लाने अनिवार्य है। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि यदि आप मॉडल सेट को अच्छे तरीके से कर लेते हो और अपने कोर्सेज का स्टडी आप अच्छे ढंग से किए हो तो 33% बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम कम से कम है, आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो, 80-90% कर सकते हो। तो ये बातें तो हुई, इसके बाद भी जो भी नया अपडेट होगा मैं आपको दूंगा, तब तक आप वेट करें, जो भी नया अपडेट होता है मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, जो भी हमारे छात्र इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।